दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, रिमांड के खिलाफ अर्जी पर तत्काल सुनवाई से इंकार। ईडी रिमांड पर भेजे गए केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा उनका संदेश, कहा मैं जल्द जेल से आऊंगा बाहर। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, राजघाट पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन करके मांगा केजरीवाल का इस्तीफा। वहीं केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर एनडीए गठबंधन में दो फाड़, कांग्रेस के संजय निरुपम ने कहा नैतिकता के आधार पर दे देना चाहिए इस्तीफा, संदीप दीक्षित बोले उन्हें किसी और को नियुक्त करना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए हैं, कहा ईडी ने अब तक पेश नहीं किए सबूत, सिर्फ एक शख्स के बयान पर गिरफ्तारी। उधर आतिशी ने लगाए बीजेपी पर आरोप, कहा दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस के आरोपी ने बीजेपी को दिए लगभग 60 करोड़ रुपए, जेपी नड्डा को ईडी करे अरेस्ट। कल्पना सोरेन ने सुनीता केजरीवाल के समर्थन में किया ट्वीट, लिखा संकट की इस घड़ी में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पूरा झारखंड केजरीवाल जी के साथ खड़ा है। मंडला में फगन सिंह कुलस्ते की नामांकन रैली में सीएम मोहन यादव का केजरीवाल पर बड़ा हमला, कहा रस्सी जल गई पर अकड़ नहीं गई, अभी भी अकड़ में बैठे हैं, मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पहली बार आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए असम में लॉन्च की गारंटी। आम आदमी पार्टी की गारंटी में शिक्षा, स्वास्थ्य व सामाजिक सांस्कृतिक, चाय उद्योग, रोजगार और बाढ़ प्रबंधन शामिल है। जबकि दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और सीएम योगी रहे मौजूद। वहीं यूपी के 24 सीटों पर हुई चर्चा, बीजेपी ने ओडिशा की 21, बंगाल की 20, राजस्थान की 8 सीटों पर मंथन किया। वहीं कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की, अजय राय वाराणसी सीट से पीएम मोदी के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह राजगढ़ से लड़ेंगे चुनाव, पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम शिवगंगा से लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस में शामिल हुए बीएसपी से निष्कासित सांसद दानिश अली फिर से अमरोहा सीट से चुनाव लड़ेंगे। जबकि महाराष्ट्र में एमवीए के बीच 44 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय, 19 सीटों पर मैदान में उतरे उद्धव गुट के प्रत्याशी। 16 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस, 9 सीटों पर एनसीपी, शरद पवार गुट लड़ेगा चुनाव। कर्नाटक में 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जेडीएस, एचडी दोईगढ़ के पोते प्रज्वल रिवन्ना हसन सीट से मैदान में उतरे। बीआरएस चीफ केसीआर ने थेगुला पदराव गौर को सिकंदराबाद सांसद उम्मीदवार घोषित किया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 बागियों ने थामा बीजेपी का दामन, 3 निर्दलीय भी बीजेपी में शामिल। मध्य प्रदेश के धार में विवादित गोशाला परिसर में एएसआई का सर्वे दूसरे दिन भी जारी है, कई नए तथ्य सामने आने अभी बाकी हैं। बैंक खाते फ्रीज करने के कांग्रेस के आरोप पर बोले बीजेपी नेता संबित पात्रा का, सभी दलों को टैक्स में छूट मिलती है लेकिन सिर्फ कांग्रेस के खाते फ्रीज क्यों किए गए, समय पर टैक्स रिटर्न दिया ही नहीं। शराब नीति घोटाला केस में बीआरएस नेता के कविता की 3 दिनों के लिए बढ़ाई गई हिरासत। और वहीं फिर मुश्किलों में गिरी टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, कई लोकेशंस पर सीबीआई ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, का बीजेपी वाले मुझ पर मुसलमान होने का आरोप लगाते हैं, मैंने आज तक कभी चंदा मांगकर चुनाव नहीं लड़ा, इस पर राजगढ़ में चंदा मांगकर चुनाव लड़ूंगा। सहारनपुर से इमरान मसूद को कांग्रेस से टिकट, देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह लड़ेंगे। पूर्व विधायक बीमा भारती ने जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, आरजेडी में शामिल हो गई, पुनिया से टिकट मिलने की खबर। उधर कांग्रेस में शामिल पप्पू यादव का ट्वीट, मर जाएंगे कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, दुनिया छोड़ देंगे पुनिया नहीं छोड़ेंगे। जेडीयू के एक और पूर्व विधायक रामनिवास प्रसाद और पूर्व विधायक फराज फातमी ने जेडीयू से इस्तीफा दिया है। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि ने पीएम मोदी के लिए 28 पैसा मोदी का इस्तेमाल किया, कहा तमिलनाडु को केंद्र से मिलने वाले हिस्से का सिर्फ 28% हिस्सा ही मिल रहा है। पंजाब के संगरूर शराब कांड में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 20 हुआ, चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव और डीजीपी से रिपोर्ट मांगी। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, लखनऊ में होली के दिन यानी 25 मार्च को शराब बिक्री पर बैन। डीएमके मंत्री अनिता कृष्णन के बिगड़े बोल, पीएम मोदी को कहे अपमानजनक शब्द।
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी पहुंचे जैसलमेर, बीजेपी को मजबूत बनाने की अपील की। वहीं रजाकार मूवी पर बोले बीजेपी तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जी किशन रेड्डी का, यह फिल्म निजाम की सेना रजाकारों द्वारा हिंदुओं पर किए गए अत्याचारों को दर्शाती है। कोठी में पेपर लीक मामले में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड सरकार को नसीहत दी, मामले में शामिल कर्मियों को नौकरी से करे बर्खास्त। सीएम स्टालिन तंजावुर में कर रहे हैं चुनाव प्रचार, सीएम स्टालिन ने चुनाव प्रचार के दौरान बोला 2024 तय करेगा कि भारत में लोकतंत्र रहेगा या नहीं। नागपुर में नितिन गडकरी ने किया अपने मुख्य चुनाव प्रचार कार्यालय का उद्घाटन, नए टेक्नोलॉजी से लैस होगा ऑफिस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी इसमें होगी। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय होली उत्सव में शामिल हुए, साथ साथ कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। दिल्ली में मनाया गया अर्थ आवर, अक्षरधाम मंदिर से आई तस्वीरें, पूरे मंदिर में बरती गई लाइट्स, दीयों से जगमगाया मंदिर। उधर बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है, साइंस में सिवान के मृत्युंजय कुमार बने हैं टॉपर। बिहार बोर्ड 12वीं में कॉमर्स में प्रिया कुमारी और आर्ट्स में तुषार ने बाजी मारी है। अमरावती में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता ने महंगाई, बेरोजगारी, किसान की आत्महत्या पर चर्चा कर बैनर लगाकर किया प्रतीकात्मक होलिका दहन। उधर वर्धमान में टीएमसी ने चुनाव नियमों का उल्लंघन करते हुए कई सरकारी बस में किया प्रचार, तृणमूल कांग्रेस के राज्य प्रवक्ता प्रसेनजीत दास ने सभी आरोपों का खंडन किया। भीड़ में शरद पवार गुट के कार्यकर्ताओं की बैठक, बैठक में कई पदाधिकारी शामिल हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को हरिद्वार लोकसभा से टिकट मिला, वहीं प्रकाश जोशी को नैनीताल से टिकट मिला कांग्रेस। गुवाहाटी में अर्थ आवर के लिए असम विधानसभा की लाइट्स बंद की गई। लखनऊ में होली के पर्व पर 25 मार्च को शराब बिक्री पर रोक लगी, लखनऊ डीएम सूर्यपाल गंगवार ने आदेश जारी किया। जबकि एमपी के गुना में आदिवासी महिला को देखकर सिंधिया समर्थक महेंद्र सिंह सिसोदिया ने किया कटाक्ष, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूछा क्या हो गया राजकुमारी, इतना शर्माओ मत। फर्जी खबरें फैलाने के आरोप में टीएमसी ने कराई सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ ईसीआई में शिकायत। वही खेल की खबरों की अगर बात करें तो आईपीएल के तीसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 4 रन से हराया। आईपीएल के इस मैच में कोलकाता ने बनाए 208 रन 7 विकेट के नुकसान पर, वहीं हैदराबाद ने 7 विकेट के नुकसान पर 204 रन की पारी खेली। जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 24 मार्च को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन का दौरा करेंगे और वहां तैनात सशस्त्र बलों के जवानों के साथ होली मनाएंगे। जैसलमेर आ रहे विदेशी सैलानी होली के त्यौहार का लूट रहे हैं मजा, जमकर खेल रहे हैं रंग अबीर गुलाल। होली से पहले गुवाहाटी में सजे बाजार, अलग अलग रंग पिचकारियां बेचने वाली दुकानें सज चुकी हैं, प्रधानमंत्री मोदी वाले मुखौटों ने खींचा सबका ध्यान। होली के मौके पर अलवर में निकला 150 साल पुराना सेठ सेठानी का स्वांग, ढोल नगाड़ों पर जमकर फिरके लोग। वाराणसी में रंग भरी एकादशी के दिन से होली की शुरुआत हुई, सभी संतों ने फूलों से खेली होली। नरसिंहपुर में किया गया होली का जोरदार आयोजन, श्री खाटू श्याम जी के भजन से रंग भरी फूलों की होली खेलते और नाचते दिखे भक्त। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी के भव्य भागोत्सव देखने को मिल रहे हैं, लोकगीत पर जमकर थिरक रहे हैं लोग। मथुरा में बीजेपी नेता हेमा मालिनी ने होली मिलन समारोह में भाग लिया। जबकि लखनऊ में दिनदहाड़े महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, पुलिस ने की गिरफ्तारी। उधर धौलपुर में अंतर्राज्यीय वाहन चोर और हिस्ट्री शीटर से पुलिस की मुठभेड़ हुई, एक बदमाश के पैर में गोली लगी, भारी मात्रा में हथियार जब्त हुए। खबर औरैया से जहां जमीन विवाद में हुई महिला की हत्या, 4 आरोपी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया इस मामले में। आंध्र प्रदेश के कडप्पा से आई ट्रिपल मर्डर की खबर, एक घर में परिवार के 3 लोगों की लाश मिली है। जबकि पटना में 2 कार की आमने सामने टक्कर, 2 लोगों की मौत 9 जख्मी। कोटा में प्रेमी ने धारदार हथियार से काटा प्रेमिका का गला, बाद में खुद का भी काट लिया गला, फिर 30 फीट ऊपर से कोटा स्टोन की खदान में कूद गया, दोनों का इलाज चल रहा है।
बुलडाणा में नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने वाली महिला पर मामला दर्ज, छात्र के नाम परिजनों ने जल्द से जल्द मांगा न्याय। कोटा में कोचिंग एरिया में छात्राओं पर अभद्र भाषा टिप्पणी करने वाले 15 मंचले कोचिंग छात्र गिरफ्तार हुए, पुलिस ने परिजनों को जानकारी दी है। वहीं तमिलनाडु के करूर में राजस्व प्रशासन कार्यालय के परिसर में आग लग गई, आग की चपेट में आई थी परिसर में खड़ी कई गाड़ियां। फरुखाबाद में बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव माफिया के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में बड़ी कार्रवाई, 36 करोड़ की संपत्ति कुर्क। पाली में 5 बदमाशों ने किया 20 सड़क पर हंगामा और मारपीट, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। अमरावती में गैरकानूनी तरीके से बारूद ले जाने वालों पर पुलिस का शिकंजा, 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फतेहपुर में यात्रियों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई, हादसे में कई यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं। रामगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी, एक गाड़ी में करीब 1,95,000 रुपए पुलिस ने जब्त किए हैं। अमृतसर की बॉर्डर एरिया के गांव नेष्टा और अटलगढ़ से पुलिस को 2 पाकिस्तानी ड्रोन बरामद हुए हैं, आगे की जांच चल रही है। झांसी में 300 रुपए के बंटवारे को लेकर 2 लोगों ने गला दबाकर युवक की हत्या कर दी, आरोपी की तलाश में पुलिस लगी है। थाने में गांव देवी मंदिर से चांदी की पादुका चोरी हो गई, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। कानपुर में वाइन शॉप के सेल्समैन की गोली मारकर हत्या, खुले मैदान में मिला शॉप, बाइक और मोबाइल गायब। सूरत में गुमशुदा बच्ची को तलाशती रही पुलिस, घर के नजदीक की झाड़ियों में मिला शव, बलात्कार के बाद हत्या की आशंका है। बिना केवाईसी वाले फास्टैग 1 अप्रैल से हो जाएंगे बंद, करेंगे बैंक डीएक्टिव या ब्लैकलिस्ट। बाजोस में 30 ट्यूशन सेंटर्स किए बंद, बाकी 262 ट्यूशन सेंटर हाइब्रिड मॉडल पर चलते रहेंगे। अमूल अमेरिका में फ्रेश मिल्क प्रोडक्ट करेगा लॉन्च, एमएमपीए के साथ पार्टनरशिप, पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी बनाने को कहा था। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर से आगे निकली मडगांव एक्सप्रेस, रणदीप की फिल्म को मिला मराठी ऑडियंस का सपोर्ट। पंजाबी गायक जैसे बी के नए गाने पर विवाद, किसान संगठन ने पुतला फूंक कर किया प्रदर्शन, कहा महिलाओं पंजाबी संस्कृति को किया बदनाम। उधर कांगड़ा के बगला मुखी मंदिर में अभिनेत्री कंगना रनौत ने किए दर्शन, पूजा पाठ।